एवरीवन, वेलकम बैक टू वोकोमाइल विथ रुइनी। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं मैंने, और ये सारे ही कपड़े मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि ये सारे कपड़े मैंने कहाँ से लिए हैं और कब कब मैंने पहने हैं। एक्चुअली मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि जो भी आपने गोवा में आउटफिट्स पहने हैं तो उनका एक डेडिकेटेड वीडियो पर्टिकुलरली सिर्फ आउटफिट्स के ऊपर ऐसा बनाइए। तो मैं आज आप लोगों के साथ में यही आउटफिट्स लेके आ गई हूँ जो मेरे गोवा वेकेशन में मैंने उनको पहने थे। ये सारे ही आउटफिट्स के डिटेल्स कहाँ से मैंने लिए हैं और कितने में लिए हैं, कब कब मैंने पहने हैं, ये सब चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। इसी के साथ में नहीं, इन आउटफिट्स के ऊपर मैंने कैसे कैसे एक्सेसराइज करा है, कैसे स्टाइलिंग करी है, इस बारे में भी आपको इस वीडियो में नॉलेज मिल जाएगी। तो अगर आप किसी वेकेशन पे जा रहे हैं या नॉर्मली भी अगर आप लोगों को इस तरीके के कपड़े किसी डे आउटिंग के टाइम में या नाइट आउटिंग के टाइम में पहनने हैं तो आज आप लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाने वाले हैं। तो यस, अगर इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा, यानी कि शेयर करिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिमाइंडर दे दूँ कि गोवा में हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती करी है, क्या क्या चीज़ें करी और कहाँ कहाँ हम लोग गए, तो वो सारी ही डिटेल्स मेरे गोवा व्लॉग्स में अवेलेबल हैं। आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो ये रहे वो गोवा व्लॉग्स, वहाँ पे आप जाइए, लिंक्स मैं मेंशन आउट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पे आई लिंक में, वहाँ से आप जाके इंजॉय कर सकते हैं मेरे गोवा ट्रैवल को। पहली बार गोवा गई थी तो बिल्कुल से ये वाला वीडियोस तो आप बिल्कुल बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डे आउटफिट्स हैं, नाइट आउटफिट्स हैं, पहले मैं शुरू करती हूँ डे आउटफिट्स से। तो सबसे पहला जो आउटफिट मैं बताऊंगी आप लोगों को डे टाइम के हिसाब से, वो है एक क्रॉप टॉप और एक शॉर्ट्स। इन दोनों को ही मैंने कंबाइन करा है। तो ये रहा मेरा शॉर्ट्स और ये रहा मेरा क्रॉप टॉप। तो जो क्रॉप टॉप है वो मिंत्रा से लिया हुआ है और जो शॉर्ट्स हैं वो अमेज़ॉन से लिए हुए हैं। ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन काफ़ी परफेक्ट दिखता है। प्योर कॉटन का क्रॉप टॉप है, हाई नेक है और बटन क्लोजर दिया हुआ है नेक के बैक साइड में। सिंच्ड वेस्ट टॉप है और एल्बोज तक इस तरीके से स्लीव्स आती हैं। फ्रंट सेक्शन में इस तरीके से एक बटरफ्लाई विंग्स टाइप का इफेक्ट दिया हुआ है। डेनिम शॉर्ट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं और ब्रीदेबल हैं। हेयर स्टाइल के लिए मैंने यहाँ पे फ्रंट हेयर बैंग्स मंगवाए हैं फ्रॉम अमेज़ॉन। बहुत ही ईजी टू यूज़ है और बस क्लिप ऑन दिया हुआ है, बस ऐसे ही आपको क्लिप कर लेने हैं अपने फोरहेड के तरफ। तो जितना भी आपको डिस्टेंस चाहिए वैसे आपको रख लेना है। और बेस्ट चीज़ ये है कि ये मेरे हेयर टेक्स्चर से और कलर से काफ़ी मेल खाता है। I found it very cute. What you have to say about this, do let me know in the comment section. इसके साथ में मैंने अर्बैनिक से मंगवाए हुए ये बटरफ्लाई इयररिंग्स पेयर करे हैं और इसके साथ में ही वाइट प्लेटफॉर्म हील्स। इसके ऊपर मैंने राउंड क्रॉस बॉडी हैंडबैग लिया है, दैट इज़ गिफ्टेड बाय माय मदर इन लॉ। और शेड्स के लिए मैंने येलो और ब्लैक शेड्स लिए हैं, एक का फ्रेम वाइट है। सो लेट्स सी कौन सा वाला लुक ज़्यादा पसंद आ रहा है। सो हियर इट इज़ विद द वाइट फ्रेम, ब्लैक शेड्स हैं, और हियर इट इज़ विद द येलो शेड्स। सो वाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन कैसा लगा मुझे बताना। और इसके साथ में मैंने पोनीटेल भी बना ली है कि अगर गर्मी हो रही है तो दिस वे ऑल्सो वी कैन कैरी दिस लुक। ओके, सेकेंड लुक के लिए मैंने जो अभी यहाँ पे पहना हुआ है यही है, जो कि है ब्यूटीफुल सा फ्लोरल, एकदम ही फ्लोइंग वाला गाउन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गाउन मैंने पहना हुआ है, यू कांट बिलीव राइट। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये बना हुआ है साड़ी से। जी हाँ, एक साड़ी थी, बहुत ही प्रिटी सी साड़ी थी और पता नहीं 15-20 साल पुरानी साड़ी थी। तो मैंने उसको एक फ्लोइंग सा गाउन बनवाया और मैंने सोचा कि इस गाउन को अगर मैं सी बीच पे पहनूंगी बहुत अच्छा दिखेगा। तो इस गाउन को मैंने सी बीच के ऊपर पहना और बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करे, ये वाले फ़ोटोज़ क्लिक करे हैं। अब हम आते हैं कि मैंने बीच पे इसको कैसे एक्सेसराइज करा। सो हियर इज़ दिस फुल लुक ऑफ ब्यूटिफुल गाउन। दिस इज़ अ फ्लोइंग फ्लोरल गाउन, बीच पे काफ़ी अच्छा दिखता है ये वाला गाउन। और इसके डिटेल्स कैसे सिलवाया, क्या कॉस्टिंग पड़ी, ये मेरी अपकमिंग वीडियोज़ में आप ज़रूर देखिएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ में वाइट प्लेटफॉर्म हील्स पेयर करे हैं क्योंकि गाउन है तो हील्स अच्छे लगते हैं। और रेड लिपस्टिक फ्रॉम शुगर। एडिंग पर्ल्स टू योर गाउन लुक एड्स अनदर डायमेंशन टू योर होल लुक। इसके साथ में मैंने वाइट शेल इयररिंग्स पेयर करे हैं। बीच पे जूट टोट बैग काफ़ी अच्छा लगता है, इसमें काफ़ी स्पेस है और ये मैंने अमेजोन से लिया था। अलॉन्ग विद दिस फॉर द सन ग्लासेस आई हैव ऑप्टेड फॉर रेड ग्लासेस। ईजिली फोल्डेबल ये हैट है जो मैंने अमेजोन से लिया था, तो ट्रैवल पर्पजेज़ के लिए भी एकदम परफेक्ट है।
तो बालों को मैंने यहाँ पे खोल दिया है एंड हियर कम्स माय कंप्लीट लुक। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बीच के ऊपर फोटोज खिंचाने में जैसे मैंने खिंचाए हैं, तो इस टाइम में फ्लोइंग गाउन्स काफी अच्छे लगते हैं, अदरवाइज ये मार्केट या शॉपिंग लुक के लिए भी काफी अच्छा है। नेक्स्ट कम दिस नी लेंथ मिडी ड्रेस, बहुत प्यारा कलर है, अभी भी आप देख रहे हैं ना कितना अपीलिंग, बहुत ही अच्छा सा सूदिंग कलर भी है, क्योंकि एक्स्ट्रा एकदम येलो फ्लोरेसेंट येलो या नियॉन येलो नहीं है, इनफैक्ट मस्टर्ड इस तरीके से मिक्स्ड कलर है। इसका जो ड्रेस का पैटर्न नेक पैटर्न मुझे सबसे ज़्यादा अपील करा, नेक में ये इस तरीके से आएगा और हॉल्टर नेक दिया हुआ है, इसके साथ में एक बेल्ट भी आती है, लेकिन जब मैंने ये वीडियो शूट करा मुझे पता नहीं कहाँ बेल्ट खो गया था, तो आपके पास में जब ये आप अगर मंगाते हैं तो बेल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बहुत ही अच्छा हल्का सा फैब्रिक है, सी थ्रू नहीं है, लेकिन इसमें कोई इनर भी नहीं दिया हुआ है, सो अकॉर्डिंगली अगर आप कंफर्टेबल हैं तो जैसे आप चाहते हैं वैसे आप पहन सकते हैं। 4 या 5 साल पहले मैंने ये ड्रेस लिया था स्नैपडील से, लेकिन एट प्रेजेंट मैं आप लोगों को अमेज़ॉन की लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ में मैंने टेसल इयररिंग्स डाले हैं, मिंत्रा से मंगाए थे, येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन अच्छा दिखता है, इसी वजह से देखिए कितने प्रिटी से दिख रहे हैं। राउंड स्लिंग बैग लिया है विद द टिंच ऑफ ब्लैक शेड्स। समर टाइम के लिए और वेकेशन टाइम के लिए फ्लैट्स और फंकी से ये फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो मैंने अमेजोन से लिए हैं। एंड हियर्स माई फिनिश्ड लुक, आई होप यू हैव लाइक दिस लुक बिकॉज आई फाउंड इट वेरी सूदिंग एंड वेरी ट्रेंडी एंड वेरी प्रिटी ऑल्सो। नेक्स्ट कम दिस ब्यूटीफुल पेपलम मिडी ड्रेस फ्रॉम द ब्रांड साका जो मैंने अमेजोन से लिया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्रिटी सा इस पर क्रोशिया वर्क किया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, नेक लाइन में ड्रॉ स्ट्रिंग दी है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप ऑफ शोल्डर्स रख सकते हैं या फिर जैसे मैंने रखे हैं या फिर नेक लाइन के हिसाब से आप रख सकते हैं। क्योंकि ड्रेस वाइट मोनोटोन कलर में है इसीलिए मैंने इसको पेयर करा है, मल्टी स्ट्रैंडेड ग्लास नेकलेस है, बीड्स लगे हुए हैं जो कि कलरफुल हैं, तो एक वाइट बेस के ऊपर ये जो कलरफुल नेकलेस है काफ़ी अच्छा दिखता है। यहाँ पे ब्यूटीफुल से फ्लोरल इयररिंग्स लिए हैं मैंने अपने कानों को और खूबसूरत बनाने के लिए, अभी करेंटली अमेज़ॉन पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप विशलिस्ट में डाल दीजिए, जब भी ये अवेलेबल हो जाए आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। एंड जस्ट सी हाउ प्रिटी दीज आर लुकिंग। इसी के ऊपर मैंने यहाँ पे ब्यूटीफुल से बिग हैट लिया हुआ है न्यूड शेड में, वाइट और न्यूड शेड्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसी हिसाब से मैंने ये ब्यूटीफुल सा टोट बैग लिया है जिसके साथ में वाइट फ्रेम्स में ब्लैक लेंसेज के साथ में शेड्स पहनूंगी और वाइट प्लेटफॉर्म हील्स। सो हियर इज़ द लुक विदाउट हैट एंड द बैग, अब मैंने दोनों को ऐड कर दिया है तो लुक देखो कितना खूबसूरत दिख गया है ना, पसंद आया ना ये वाला लुक, वेकेशन के लिए एकदम परफेक्ट है, डे टाइम के हिसाब से आप स्ट्रीट वॉक कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं उस टाइम में ये बहुत ही अच्छा दिखता है, पसंद आया लुक तो लाइक ज़रूर करना। डे और नाइट टाइम को फ्यूज़ करता हुआ एक इवनिंग लुक के लिए मैं आप लोगों को एक ड्रेस बताती हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बहुत ही सुंदर प्लस एस वाला ब्रांड है और ये मैंने लाइम रोड से लिया हुआ है, बहुत शिद्दत करके एक्चुअली मैंने लिया था, तो उसकी कहानी मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे एक कैमी ड्रेस आप देख सकते हैं, इस तरीके का इसका नेक लाइन है और वेस्ट पे इस तरीके का स्ट्रेचेबल इलास्टिक दिया हुआ है, और जो ये आपका नॉर्मल लोअर बॉडी पोर्शन के लिए इतना सुंदर इस तरीके से नेट फैब्रिक में दिया हुआ है, इनर में लाइनिंग भी दी हुई है सैटिन फिनिश में, और ये इस तरीके से टोटल लुक जो है ना इस आउटफिट का बहुत ही प्यारा है। इसको मैंने ख़रीदा था मीडियम साइज़ में क्योंकि यूजुअली मुझे मीडियम साइज़ ही आता है, लेकिन इस चीज़ की खासियत ये थी कि थोड़ा सा मुझे उसने खुश भी कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा मीडियम साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, तो मैंने इसको एक्सचेंज करवाया स्मॉल साइज में, बहुत लेट आया लेकिन हाँ ये आ गया और मैंने इसको पहना और मुझे मतलब बहुत लोगों ने बोला कि ये वाला आउटफिट बहुत अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब मैंने ड्रेस पहना तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, शेड अभी कैमरा में बहुत ज्यादा अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा लेकिन हल्का सा डार्कर इसका शेड है, और यहाँ पे मैंने आईज के ऊपर थोड़ा सा ग्लिटर लगाया हुआ है हल्का सा, क्योंकि इवनिंग सनडाउनर टाइम है, इनफैक्ट जब मैं शूटिंग कर रही हूँ ना उस टाइम भी सनडाउनर टाइम ही है। एंड हियर इज माय सन सेइंग हाय टू ऑल ऑफ यू, और यहाँ पे मैंने इयररिंग्स डाले, ये मेटालिक ग्रीन इयररिंग्स हैं, फ्लोरल इयररिंग्स हैं, काफ़ी अच्छे दिखेंगे इवनिंग टाइम के लिए और इस तरीके के नेट फ्रिल वाले ड्रेस के ऊपर भी बहुत अच्छे दिखेंगे।
ऑल्सो जब आप वेकेशन टाइम पे जाते हैं तो हल्का सा जब आप शिमर लगाते हैं अपने जो भी एक्सपोज्ड एरियाज रहते हैं, जैसे यहाँ पे शोल्डर टॉप पे और नेक लाइन पे, तो काफ़ी अच्छा दिखता है, एक शाइन और ग्लो आता है. So I and my son saying yo to all of you with these beautiful stylish sunglasses. Cat sunglasses हैं, Amazon से लिए हुए हैं और funky look आ जाता है total with this beautiful से flip flops. और मैंने एक sling bag डाल दी है जो कि आप इस तरीके से shoulder पे भी टांग सकते हैं, cross body भी ले सकते हैं, जैसे चाहें आप इसको pair कर सकते हैं. Here is my complete look guys. पसंद आया तो like ज़रूर करना. I totally loved this look. What you have to think about this? Coming to the proper night wala look, और ये है Tokyo Talkies का beautiful bodycon dress. अभी भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये dress है. ये आप plus size में मंगाइए, अगर medium है तो large मंगाइए, क्योंकि ये मैंने large में मंगाया था और क्योंकि मुझे already पता है Tokyo Talkies में ना थोड़ा सा shrunk size मिलता है, तो already मैंने Tokyo Talkies से बहुत सारे और भी कपड़े खरीदे हुए हैं, तो मुझे ये idea थी, इसीलिए मैं usually medium खरीदती हूँ, लेकिन मैं large में खरीदी इस बारी. तो ये इस तरीके से सामने का फ्रंट जो आएगा ना, वो इस तरीके से प्लीटेड फ्रंट है. यहाँ पे आप ऐसे पॉकेट्स देख सकते हैं, कुछ रखना नहीं है, बस ऐसी स्टाइल वाला ही है. स्लीवलेस है, हल्का सा इधर तक आएगा आपका स्लीव और नी लेंथ तक इसका लेंथ जाएगा, 5'4½ हाइट के हिसाब से. तो ये ड्रेस पहनने के बाद में कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से फिटिंग है इसकी. फ्रंट लुक कुछ इस तरीके से आएगा, जो कि बहुत ही एक अलग सा डेफिनेशन है, यूजुअली हम जो ड्रेस लेते हैं उससे थोड़ा सा अलग है. इसके साथ में मैंने ये सिल्वर स्टड इयररिंग्स पेयर करे हैं, न्यूड स्लिंग बैग लिया है. इस बैग की खासियत ये है कि आप इसको ऐसे ही अपने हाथों में टांग सकते हैं, क्रॉस बॉडी भी ले सकते हैं और इसका स्लिंग आप छोटा या बड़ा इस हिसाब से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं. और साथ में मिंत्रा से मैंने लंदन स्टेप्स के न्यूड पम्प्स इसके साथ में पेयर करे हैं. सो दिस कम्प्लीट्स माई होल लुक, गिवन अ पिंकिश फ्लश टू माई फेस एंड हेयर इज द टॉप टू बॉटम लुक गाइज. आई होप दैट यू हैव लाइक्ड दिस नाइट वाला लुक, नाइट पार्टी लुक, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल. मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला जो लुक है ना, मैंने क्रिएट करा था फॉर द कैसीनो पार्टी. और यस, आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन से टाइम में आप इसे चूज करते हैं पहनने के लिए. तो यहाँ पे मैंने एक शॉप स्टाइलिश करके एक इंस्टाग्राम स्टोर है, तो वहाँ से मैंने ये प्रिटी सा नी लेंथ ड्रेस मंगाया था. हल्का सा शिमर है, आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ कितना खूबसूरत शिमरी सा ये लुक आ रहा है. तो नाइट टाइम में अगर आप पहनते हैं ना, इसका हल्का सा शिमर बहुत अच्छा दिखता है. नी लेंथ है और सामने की तरफ ये जो नेक लाइन एरिया है ये थोड़ा सा डीप है, लेकिन मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा ली थी, तो यस रिस्की नहीं था उस हिसाब से. तो यहाँ पे जो कट्स हैं जो इस पूरे ओवरऑल ड्रेस में फ्रंट लुक में आता है, बहुत प्यारे हैं. फुल स्लीव्स हैं, लेकिन कहीं से भी आप लोगों को गर्मी फील नहीं होगी. रीज़न बीइंग पतला सा कपड़ा है, तो अगर आप जो भी इनर वेयर डाल रहे हैं उसी हिसाब से डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. पहनने के बाद ये ड्रेस कुछ इस तरीके से दिखेगा. सो स्टाइलिश इंस्टाग्राम स्टोर पे जब आप जाते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत पेटीट फिगर्स के लिए ही ड्रेसेस, बहुत ट्रेंडी ड्रेसेस बने हुए हैं, तो आप उसी हिसाब से साइज़ और ये सब देख के ही प्रोडक्ट्स खरीदिएगा. Along with this, I'm wearing silver metal tassel earrings bought from Amazon. Carrying this beautiful shiny clutch and along with this, wearing rose gold heels from Myntra. और ये हो गई मैं पूरी रेडी फॉर माई पार्टी. और इस तरीके से ही आपका लुक आ जाएगा एंड दिस इज़ लुकिंग सो चार्मिंग, सो प्लीजिंग. डू यू लाइक दिस लुक? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स द जंपसूट स्टाइलिंग. जंपसूट तो मुझे इस पूरे ही वेकेशन में चाहिए था, बहुत प्यारा दिखता है जंपसूट, तो मैंने सोचा कि चलो नाइट के हिसाब से जंपसूट लिया जाए. तो मैंने ये प्यारा सा अर्बैनिक से जंपसूट मंगाया है और आप जब देखेंगे ना तो आपको भी लगेगा वाह व्हाट ब्यूटीफुल जंपसूट इज़ दिस. सीक्वेंस में वर्क किया हुआ है, जंपसूट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सीक्वेंस कहीं से भी नहीं चुभते. आप देखिए रगड़ रही हूँ मैं हाथ, लेकिन कहीं से भी सीक्वेंस भी हाथ में कहीं भी चुभा नहीं है. इतने प्यारी क्वालिटी में ये जंपसूट बना हुआ है और साइड में इसके स्लिट दिया हुआ है. इनर में आप देख सकते हैं लाइनिंग है और लाइनिंग ऑलरेडी स्टिच्ड है नीचे से भी.
फ्रंट में इस तरीके से आएगा, एडजस्टेबल स्ट्रैप्स वाला आपका शोल्डर रहेगा और फ्रंट में नेकलाइन काफी अच्छा है, डीप बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ही परफेक्ट है। आपको ये कट दिखेगा लेकिन दिखता नहीं है जब आप पहनते हैं, तो ये कट्स मैटर नहीं करते हैं। लेग एरिया में नियरली नीज तक आपके साइड स्लिट्स दिए हुए हैं। इसका जो लेंथ है ना, मेरी हाइट है 5'4.5", तो आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन ईयर कि अगर आप 5'7" है, 5'8" है ना, उस हिसाब से भी ये बहुत अच्छे से जाएगा, क्योंकि इसके जो लेंथ काफ़ी लंबी लेंथ है, तो मुझे अच्छे खासे हील्स इसलिए ही पहनने पड़े। गोल्डन ईयरिंग्स डाले हुए हैं मैंने, जो मैंने अगेन अर्बैनिक से ही मंगाए थे, मेरे ख्याल से 1 साल हो गया होगा, और मुझे ये काफ़ी पसंद आते हैं, तो इस जंपसूट के साथ में ये अर्बैनिक के ईयरिंग्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और गाइज, जहाँ पे भी मैंने कोई भी ब्रांड नेम मेंशन नहीं किया है, वो मैंने लोकल स्टोर से या फिर गिफ्टेड प्रोडक्ट्स ही दिखाए हैं। शाइनी क्लच लिया हुआ है और मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ कोई भी नाइट पार्टीज़ के लिए। दिस लुक इज़ एक्चुअली परफेक्ट फॉर डिस्कोज और पब्स, और अगर वेकेशन में जा रहे हैं आप इंजॉय करिए विथ ऑल दीज ब्यूटिफुल आउटफिट्स। तो आई होप कि आप लोगों के ये सारी आउटफिट्स, डे आउटफिट्स और नाइट आउटफिट्स, आई थिंक 4 and 4, 8 आउटफिट्स और इनके लुक्स मैंने आप लोगों के साथ में आज जो शेयर करे हैं, वो आप लोगों को पसंद आएंगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही और स्टाइलिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से आप बिल्कुल मत जाइए, एकदम ही फ्री है। सो येस, गो अहेड एंड क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल, so that whenever I come up with any new video, कोई भी नया video आता है, तो you would be notified first, आपको सबसे पहले पता चलेगा। तो yes guys, have a great time wearing all these beautiful outfits and styling yourself, till the next video comes, bye bye, take care.